सो दोस्तों वेलकम टू निशांत त्रिवेदी व्लॉग्स। दोस्तों जब डॉग्स हमारी लाइफ में आते हैं तो वो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। हमारी लाइफ की छोटी सी हर एक स्टोरी, सुख दुख हर चीजों में हमारा साथ देते हैं। और वैसे ही स्टोरी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ जब हमारी लाइफ में राडो और प्लूटो आए। सो चलो शुरू करते हैं इस पूरी स्टोरी को, और आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो दोस्तों फ्रेंकली स्पीकिंग हम दो डॉग्स तो लेना ही नहीं चाहते थे, फिर हम लाए राडो को। और राडो तो नीसू से एकदम अटैच हो गया था पहले दिन से ही, और वो उससे अलग ही नहीं होना चाहता था। वो ऑफिस जाए तब भी उसको नहीं, मतलब नीशू ही चाहिए था। और उसके बाद हम लाए प्लूटो को, और वो एकदम छोटू सा था। प्लूटो को एक्चुअली में मैं जब 48 डेज का था तब मैं प्लूटो को लाया था, और प्लूटो को मुझे आज भी याद है कि मैं एक बास्केट के अंदर पेपर बिछा कर मैं उसको लेकर आया था। और वो प्लूटो की सबसे लंबी जर्नी थी, लाइक फ्रॉम अहमदाबाद टू पुणे, और मुझे आज भी याद है मैं बीच में खड़े रख कर उसको चावल और दही होटल्स में से खिलाता था, और मेरे साथ अभिजीत और वो सब लोग थे। तो मतलब लाइक बहुत ही अमेजिंग सफ़र था जब हम प्लूटो को घर पे लेकर आए थे। तो जब हमने सोचा कि प्लूटो को राडो के पास लेकर जाएंगे तो दिल में एक अजीब सा डर था। हमें लगा कि राडो प्लूटो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन प्लूटो की मस्ती और राडो का मैच्योरिटी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनने वाला था। दोस्तों आपको अभी भी दिख रहा होगा कि मैंने राडो को लिश से पकड़ा हुआ है जब प्लूटो को मिला रहा हूँ तब, बट प्लूटो जो है वो एकदम अच्छी तरीके से खेल रहा है राडो के साथ, और वही चीज देखकर बहुत अच्छा लगा। आज भी राडो और प्लूटो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, और अगर अलग होते भी है तो बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो जब प्लूटो छोटा था तो मतलब बास्केट में रखते थे हम लोग, और वो रोता ही रहता था। आई डोंट नो क्यों रोता रहता था, बट वो रोता रहता था। तो फिर हम लोग ने सोचा कि क्या करें, और फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और स्लीपिंग म्यूजिक था, डॉग स्लीपिंग म्यूजिक करके, और वो मैं चला देती थी और वो प्लूटो आराम से मस्त रिलैक्स होके सो जाता था। तो जब हम डॉग्स को हमारे घर पे लेकर आते हैं या तो एडॉप्ट करते हैं तो हम उनको एक अलग एनवायरनमेंट में से लेके आते हैं, और उनका एनवायरनमेंट और हमारे घर का एनवायरनमेंट जो होता है वो पूरा एकदम से अलग होता है। क्या होता है कि इन सिचुएशंस में डॉग को सोशलाइज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं वरीड था, और मैं गूगल पे ढूंढ ही रहा था कि क्या किया जाए, और मुझे ओ माई डॉग कम्युनिटी के बारे में पता चला, जिसको मैंने फिर कांटेक्ट किया, और सनी था, उनसे मैंने बात की राडो और प्लूटो को सोशलाइज सेशन में लेके आने की। पता है निशु, हम जब पहली बार राडो और प्लूटो को सेशन में लेके गए थे तो हमको कितना डर लग रहा था कि प्लूटो इतना छोटा है, हम क्या करेंगे उसको वहाँ पे लेके जाके। फिर सनी ने बोला कि नहीं नहीं आप लोग निकाल दो उसको, कुछ नहीं होगा। और दोस्तों अगर जैसे हमने निकाला ना, ये प्लूटो इतना छोटा, सभी लोगों के साथ, सभी डॉग के साथ इतना अच्छी तरीके से खेलने लगा। मतलब आज भी वो इतना मस्ती करता है कि मतलब लाइक ना पूछो बात। बट उसी टाइम पे हमें ओ माय डॉग में से किसी ने ऐसा बोला था कि ये बहुत मस्ती खोर होगा, ये तो अभी कुछ भी मस्ती नहीं है, ये आगे जाके पूरा घर हिला देगा। तो और अभी हमको रियलाइज हो रहा है कि आज पर दोस्तों उसी में ही मजा है, उसी में ही मैजिक है। और ये लॉकडाउन का टाइम हमारा उसी की वजह से ही निकल रहा है। हाँ, घर में रहते हैं तभी। और वैसे भी लाइक जब राडो होता है और प्लूटो होता है तो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, हम भी बहुत टाइम स्पेंड करते हैं राडो और प्लूटो के साथ। तो
दोस्तों अभी तक का जो पूरा स्टोरी था, और अभी मैं कुछ आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाने वाला हूँ जो राडो और प्लूटो के है, और उसके बाद मैं और नम्रता हम दोनों राडो प्लूटो के साथ दोस्तों नीचे मिलते हैं आपको जब हम वॉक कर लेते हैं आप करने जाएंगे प्रेजेंट में। यप जो वॉक का जो रिचुअल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले वॉक करवाना पड़ता है। तो चलो आज आज मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत ही अच्छा है तो आज, और अच्छे मौसम में थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी में थोड़ा प्रॉब्लम वाला चीज़ है। तो जैसे स्टॉप बोलेंगे तो वो वहाँ पे रुक जाएंगे, अपना वेट करेंगे, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। तो इतना इंटेलिजेंस जो है वो हमने डेवलप किया हुआ है। प्लूटो कम बैक, जो होगा प्लूटो को मैंने कम बैक करके बुलाया तो प्लूटो आ गया। राडो कम बैक, कम बैक, राडो कम हियर। राडो को भी बुला दिया, राडो भी आ गया मेरे पास है दोनों। तो देखो इतना इतना सा जो ट्रेनिंग है वो रिक्वायर्ड है कि जहाँ पे आप अपने डॉग है उसके साथ अच्छी तरीके से अपन रह सके। बाकी अभी मैं इनको थोड़ा छूट दे रहा हूँ खेलने खेलने के लिए, तो दैट इज ओके। वापस आ चुके घर पे, क्योंकि जब वहाँ पे गए थे अचानक से बैटरी लो हो गई और बारिश जैसा माहौल हो गया। तो अभी हम वापस आ गए, कल सुबह में फिर से जाएंगे डॉग्स के साथ और आपको दिखाएंगे। पर देखो गाइस, अभी जो एटमोसफियर है ना पुणे के अंदर, इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल एटमोसफियर है। आप खुद ही देख लो, खुद ही देख लो। होप
दोस्तों आपको राडो प्लूटो की स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको अगर डेली व्लॉग में इन लोगों की मस्ती देखने की है कि रिलेटेड आपको कोई भी ट्रेनिंग वीडियोस देखने हैं तो हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा वीडियो प्लीज़ कमेंट करना, एंड लेट्स मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. नीशो, हम मैंगो कुल्फी बनाए क्या आज? ओह, दैट इज अ ब्लूपर.